आज से पहले आप लोगों ने सुना होगा 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट क्या चीज़ है? देखें, सबसे पहले इस बंदे ने हार्नेस पहन ली ऊपर जाने के लिए, सेफ्टी हार्नेस हमने पहन ली है। हमने इसको इस तरह से अपने साथ अटैच कर लेना है कि ऊपर चढ़ते वक्त ये हमारे हाथों पे, हमारे लेग्स के साथ ये जो है आगे ना आए, हमें ऊपर चढ़ने में दुश्वारी ना आए। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट ये चीज़ है कि आप जब ऊपर चढ़ते हैं, आप दोनों पांव लैडर के ऊपर रखते हो और उसको पकड़ लेते हो, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपके 4 कॉन्टैक्ट हो गए, 1 कॉन्टैक्ट 2 3 और 4, ये क्या हो गया, 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट हो गया। अब हमने सीढ़ी के ऊपर जब चढ़ना है तब हम इसको मेंटेन, 4 पॉइंट को मेंटेन नहीं रख सकते। जारी सी बात है, हमने एक हाथ को छोड़ना है तो आगे डालना है, जब इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट रह जाएगा। ऐसा ही है, 3 पॉइंट इसको हाथ को डाल लेंगे ये, फिर हम जो है ना इसको छोड़ के इधर आएंगे, मतलब फिर 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट फिर भी रहेगा। हमने इसको मेंटेन रख के चढ़ना है, और जो बंदा 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेंटेन रखेगा वो बंदा कभी भी लैडर से गिरता नहीं है। किस तरह से रखेंगे अभी आपको प्रैक्टिकल आपके साथ हो जाएगा, थोड़ा सा चढ़ें। अब देखें, ये इस बंदे ने क्या है, रुके, 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट है। अब ऊपर वाले रनर पे चढ़ना है, चढ़ो हल्के से, ये देखो, जब इसने ये हाथ इधर छोड़ो, ये हाथ उठाया है तो ये 3 पॉइंट जो है ये अटैच है लैडर के साथ, ये क्या हो गए, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट हमने मेंटेन करना है, मेंटेन है। अब ऊपर हाथ डालो, ये अब ये वाला हाथ उठा के ये बंदा ऊपर डालेगा, एक मिनट रुक जाओ यार, आहिस्ता। अब देखो ये पॉइंट उसने, अब ऊपर वाले रनर पे हाथ डालो, ये पहले एक पाँव ऊपर करना है या हाथ ऊपर करना है, एक जैसे सबसे पहले हाथ होता है ऊपर, हाथ ऊपर डालोगे फिर एक पाँव ऊपर रखोगे, फिर दूसरा हाथ डालोगे फिर जो है दूसरा पाँव रखोगे, इसी तरह 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेंटेन करके चढ़ें आप। मेंटेन करके आप लोगों ने चढ़ना है, समझ आ गई इसकी भी। ये चीज़ें, ये पॉइंट्स आपने प्रैक्टिस खुद भी करें और साइड पे जाके नोट किया करें ये चीज़ें कि ये मेंटेन हो रही हैं नहीं हो रही, बंदे को बता दें, वहाँ पे रोक के आप थोड़ी देर के लिए उसे, वो एक स्कैफोल्डर है, वो मैकेनिकल टीम का है, वो इलेक्ट्रिकल टीम का है, वो रिगिंग टीम का है, आप ये चीज़ें उन्हें बता दोगे, उससे आपकी भी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, आपको बेहतर जो है ना वो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उस बंदे को भी पता चल जाएगा। समझ आ गई है?